जब गए तो वहाँ बड़ी शोभा हो रही थी, तो श्याम सुंदर ने कहा कि भैया जरा यहाँ ठहर जाओ, ये देखो ना बड़ा सुंदर यहाँ पर वन है और घास तो भरी को बड़ी अच्छी है, तो यहाँ ये बछड़े कुछ देर तक चर ले और हम लोग जरा विश्राम कर ले। तो सबके सब ठहर गए और शिलाएं वहां पर बैठने के लिए अपने आप बन गई, सुंदर सुंदर शिलाएं हैं। रत्नों ने देखा कि हमारा तो आज हम न्याल हो जाएंगे, तो वो रत्नों के जो देवता थे वो सब के सब वहां आ करके, और कहीं फटिक शिला है तो कहीं वज्र शिला है तो कहीं मरकत शिला है, और सब के सब कोमल होकर रह गए। ऐसा नहीं कि पत्थर पर चट्टान पर बैठे और गड़ जाए, ऐसा नहीं, सब के सब चिकनी सब के सब कोमल ऐसी ऐसी शिलाएं, तो उन पर ये सब बैठ गए और अपनी अपनी चीकों को जिनमें सामान था खाने पीने का वो वृक्षों के डालियों पर सभी लटका दिया टांग दिया। अब बोले भैया तुम्हारा जो श्रृंगार करेंगे आज, सखाओं ने कहा कि आज तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। तो देखो बोले तुम करोगे फिर हम भी करेंगे, तो कैसा तुम भी करना आज तो हम कर लें, आज हम कर लें फिर तुम कर लेना। तो गोप बालक जो हैं ये सब नई नई चीजें ले आए श्रृंगार करने के लिए, वो फलित प्रवाल फलित सुमृत पिछधा के भी काच गुंजा मृत स्वर्ण भूषिता प्रभूषण, तो सबके सब ग्वाल बाल पहले से ही कोई पुखराज का गहना पहने और कोई भूसी लगाए और कोई मणि और कोई सोने गहने पहने थे, फिर भी इन लोगों ने और वृंदावन की वो नई नई हरी हरी वृक्षों की कुंकले और नए नए गुच्छे रंग बिरंगे फूल मोर पंख गेरू ये जो धातु बन में मिली उन सबको लेकर के और ये श्रृंगार करने लगे। तो उनका मन आकर्षित हो गया वन शोभा को देख करके, और वन के देवताओं ने ये आकांक्षा की मन में आज कि हमारी इन सामग्रियों को श्याम सुंदर स्वयं धारण करें। तो श्याम सुंदर उनके मन की बात जान गए, तो उन्होंने ही सखाओं को प्रेरणा की, कहा बोले भैया देखो ना ये फूल तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये देखो ये कनेर का फूल कैसा अच्छा वैसा अच्छा लगता है, इसको तो कान में लगा लें तो कुंडले बन जाए बड़ा अच्छा, तो दोनों छोटे छोटे जो फल हैं उनकी तो मालाएं गूंथ के पहन ली जाए तो बड़ा अच्छा लगे। तो श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार संकेत किया तो उन सखाओं के मन में आई कि आज इन सब चीजें इनको अच्छी लगती है ना, इसको उन चीजों से इसका श्रृंगार करें। तब वो बोले अच्छा तुम्हारा श्रृंगार करना है आज। तो गोप बालक जो हैं वो अच्छे सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते ले आए, कुंकले ले आए, फूलों के गुच्छे के गुच्छे, कई तरह के फूल गुच्छे वाले फूल यहाँ लगता है, गुच्छे वाले फूल मानो वो गुच्छा बनाया हुआ है, और ऐसे फूल सुगंधित फूल मयूर पुच्छ ये सब इकट्ठी कर ली इन्होंने और सब सजाने लगे कन्हैया को। फिर दो तीन बच्चे वो जितने लगे धातुओं को लाल धातु और पीली धातु और हरी धातु जिसके नए नए रंग बना लिए इन्होंने, अब उन सब को लेकर के चित्रण करने लगे श्री कृष्ण के समस्त अंगों पर, किसी ने मोर बनाया तो किसी ने हाथी बनाया तो किसी ने गहना बनाया किसी ने कुछ बनाया, बड़ा श्रृंगार कर लिया। तो कहते हैं कि ऐसी शोभा हुई कि जो शोभा वो मणि मुक्ताओं से नहीं होती। आज ये वन्य श्रृंगार से सज्जित होकर के श्री कृष्ण तो बोले भैया हम तो मेरा सज के बैठ गए, तुम लोग सजो, तो आप किसने सजाने लगे सब बीच बीच में ये भी किसी किसी कुछ कुछ पहना देते, अभी सज गए सब के सब, बड़ा आनंद आ, ये सबका नया वेश बन गया।
ये वन्य वेश में सबके सब सुसज्जित हो गए, बस अब खेलें। अब खेल शुरू हुआ उनका। तो खेल में जिनके पास सामान था वो ये श्रृंगार इनके पास, बिंग इनके पास, और उसके बाद ये वन की सामग्री, वन के पशु पक्षी, वृक्ष, पल्लव, पेड़ पत्ता इत्यादि, तो ये सब के सब अब खेलने की तैयारी करने लगे। अब तैयारी क्या, बस वो आनंद सिंधु में तरंगे आने लगी, तो सब के सब अब खेलने लगे। आज एक बात नई ये हुई थी कि आज उन्होंने दाऊ जी को साथ नहीं लिया था। दाऊ जी से अलग लीला करनी इनको आज ये, तो दाऊ जी को साथ नहीं, इसमें वो सब सारी योजना पहले से बनी। दाऊ जी का था जन्म नक्षत्र, तो आज तो इंदु सरदार बनना था ना। दाऊ जी के सरदारी में जरा सहन संभ्रम हो जाए, कहीं डर हो जाए, कहीं थोड़ा सा संकोच करना पड़े, आज इनको संकोच निंदा करनी है। तो दाऊ जी का जन्म नक्षत्र था, तो आज शांति स्वस्थ चयन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, अभिषेक होगा। तो दाऊ जी ने कहा हम तो जाएंगे कन्हैया के साथ, तो कन्हैया ने कहा भैया एक दिन नहीं सही, देखो मैया राजी हो जाए, छोटी मैया जो है ये इसको दुख होगा, तुम रह जा। तो रह गए बेचारे, मेरे ने मैया नहीं, बलपूर्वक बलराम को रोक लिया। तो जाते जाते दाऊ जी ने कहलवाया कि देख भैया कृष्ण, तेरे साथ खेलने में मैं न जाऊं, ये है तो बड़ी भारी दुख की बात, मेरे मन के बहुत गरीब है। हम तब हो कृष्ण प्रवास है क्रीड़ा कृष्ण का प्रिय, हम विरुद्ध विधना विरुद्ध राशि, पर क्या कहीं रोक लिया गया। बच्चे ने कहा आज दाऊ नहीं है, मेरे दाऊ का जन्म नक्षत्र है, हम तो है नहीं। मैया ने तो कहा कि तुम भी रह जाओ, तो अपने हम तो रहे नहीं, और दाऊ ने अपनी सम्मति भेज दी है भैया ने, तो साथ ही है और क्या है, उसका मन तो साथ है ही अपने। इस प्रकार से वो अब वो पहले को सजाया, सजा करके उसके बाद अब वो खेलना शुरू किया। तो अब खेलने में आज स्वच्छंदता है, बच्चों का खेल है, आज स्वच्छंदता है। तो जा रहे थे ना, तो किसी ने पीछे से आके कच्छी का खेत उतार दिया, और किसी ने बगल से बेल खींच ली पीछे से और उनको छिपा लिया। तो अरे बोले तो तुम्हारी चीज कहाँ गई, दूसरा बेला कहाँ गया, चीजा तुम्हारा कहाँ गई बे। तो वो चला ढूंढने, तो उसने अलग दूसरे के हाथ फेंक दिया। अब उसको उसको छीनने के लिए दौड़ा पीछे, तो उसने वो चीज अलग फेंक दी। अब वो अपनी वस्तु अपनी चीज खा लेने के लिए लपका चीज दूसरी जाकर उठा ली और उसने आगे फेंक दी, और आगे और आगे फेंक दी, तो सारा हार गया। इस प्रकार एक दूसरे को हरा गए। तो ये बेचारा आधार करके लज्जित हो गया, जिसकी चीज फेंकी गई। तो बोले क्या करें, तो श्याम सुंदर आए, बोले अब तो ये हार गया, तो हार करके हार देखकर उसके वस्तु लाद उसको दे दिया। बच्चे समझने लगे, बोले कन्हैया ने दी, कन्हैया ने पी तो हार ही गया। अब हंस करके कन्हैया ने हाथ फेर दिया उसकी पीठ पर, बोले नहीं नहीं भैया, तू क्या हार गया, ये तो खेल है, देखो मैं तो रोज ही हारता हूँ, तुम लोग रोज हराते हो ना मेरे को, एक दिन तू भी हार गया तो क्या है। अब भगवान ने किया था, थोड़ी थोड़ा आगे बढ़ गया जोर से, चले बोले भैया मैं तो जरा शोभा देखता हूँ यहाँ के सुंदरता, जरा भाग निकले। तो आगे बढ़ गए, अब बच्चों में होड़ लगी कि देखो कौन जल्दी छूटा है, पहले कौन छूटा, कौन पकड़ता है।
تو بچے بڑے بڑے بھی رکھنا پہنچ گیا, اتنے میں آگے بڑھ گئے, بڑے بڑے بھی رکھنا پہنچ گیا. اب اس پرکار سے بچے سب پیچھے پیچھے دوڑ میں لگے اور جا کے کسی نے پکڑ لیا, چھو لیا, بڑے بس میں نے چھو لیا, تم سب ہار گئے. اب ان کو ہلے سے لگا لیا, سب کو سب سکھ سمندر میں ڈوب گئے. پھر من میں آیا بچوں کے ایک سمجھائے کہ من میں آیا کہ دیکھو یہ بنسری بجاتا ہے, اپنے بھی بجاؤ ساتھ ساتھ. تو سب نے بنسری بجانا شروع کر دیا. اب اس سب کو بجانا آیا نہیں, اب یہ تو سارے یہ تو سنگیت کے مہانا آچاریہ ٹھہرے اور بچے بچارے وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے بجائیں. تو طرح طرح کے اس میں سے سور نکلے, وبھن سور, ایک سور نہیں ملا. تو کچھ بے کام سی ہو گئی. تو ایک سکھا نے کہا, بولے بھیا یہ ٹھیک نہیں, یہ ہم لوگوں کا کام اچھا نہیں ہوا. یہ کمیا جب بن سے بجاتا ہے نا, تب تو ایک مدھو کی ورشا ہوتی ہے اور اس کی کسی کے ساتھ تلنا برابر ہی ہو نہیں سکتی. تو ہم سب کا جو یہ بنسی بجانا ہے یہ کام ملی نہیں. تو اپنے یہ تو مدھو کے پرواہ میں, مدھو کے دھارا میں ان لوگوں نے یہ کنکر ڈال دی. یہ کھڑ 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 آواز آنے لگی, ان میں سے کیا میٹھا میٹھی آواز تھی. یہ تو میرے ہم بندوں نے اور یہ مدھر مدھر ونشی دھونی کو روک دیا, ہم نے بازا کر دیا برندان سمپنی. تو سب لوگ نے کہا بچوں کو بور بجاؤ مت, تو سب نے بجانا بند کر دیا اور پھر یہ پچاس روپئے نشچے ہوا وہاں پر کہ جب تک کنہیا کی بنسی بجے تب تک کوئی بنسی نہ بجاوے, کیونکہ دوسرے بنسی بجائے ہوں گے تو کنہیا کی بنسی کا جو سکھ ہے وہ تو ملے گا نہیں. ہم لوگ سب وہ کرنے لگیں گے اور کسی کی کیسی تان, کسی کی کیسی تان, سارا رس بگڑ جائے گا. تو اور بات میں تو اپنے سب کنہیا کو ہرا لیں گے. بچوں نے کہا کہ پھر یہ ہارے گا کیسے, تو کہا اور سب باتوں میں ہرا دیں گے اس کو, پہلے تو ہارے گا ہی, اس میں کون سا بلا ہارے پر. پر اس کو یہ بجانی بڑی اچھی آتی ہے اور اپنے اس میں کیا ہے بجاتا یہ ہے, سنتے ہم لوگ آنند ہم کو ملتا ہے. اس میں بھی ہرا ہوا ہے, ارے سیوا تو ہماری کرتا ہے نا, بجاتا یہ سنتے ہم. تو اس ایک بات میں تو ہوڑ کرے نہیں, اس میں تو بازی لگانے نہیں, اس میں تو ہرانے نہیں, اپنا بجائی کرے گا اپنے سنتے چلے گئے آرام سے اور بات ہم اس کو ہرا دیں گے. تو بچوں نے کہا ٹھیک ٹھیک. یہی بات سنگا دھونی میں ہوئی, سنگ بجانے میں بھی سب نے ساتھ دیا تو سنگ کی بھی دھونی بگڑ گئی. تو کہا بھی دو سے ٹھیک ہے, دو سے بھی اس کو چھوڑ دو, سنگ یہ بجاؤ تب اپنے مت بجاؤ اور بنسی یہ بجاؤ تب اپنے مت بجاؤ. اس سے کہہ دو کہ تم بجایا کرو, ان بیچ میں نہیں بولیں. بولے اچھی بات ہے. اب بنسری بجنے لگی, یہ سب کے سب کھیلنے لگی. اتنے میں ان کو بھونگ گنجار سنائی دی بچوں کو. یہ وکشوں پر تمام بڑے سندر سندر پشپ کھلے ہوئے, ان کا رس پان کرنے کے لیے بھانگڑے اسنکھ اسنکھ بھانگڑے جہاں جہاں مزدار ہے گن گن کرتے ہوں گے. بچے تو ہے نا, تو ان کے پاس جا کر کے خود بھی گن 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 کرنے لگے. بھنگڑوں کی دھنی کے ساتھ اپنی دھنی ملانا شروع کر دیا بچوں نے. اتنے میں کوئر بول اٹھی کہوں کہوں, بڑے بڑے اپنے طرح سے بولیں گے, اپنے طرح سے بولیں گے. تو کوئر کی طرح سے بولنے لگے, کوئی گنگناتا ہے کوئی کوئر کی طرح سے بولتا ہے. گنگن کیا ہے, دیکھ کیا چل رہا ہے, چل کیا آیا تھا آکاش میں اڑ رہے تھے پکشی کی چھایا پڑ رہی تھی نیچے, تو چھایا چلی جا رہی تھی نا اڑنے کے ساتھ. اب بولیے کیا جا رہا ہے, تمہیں یہ تو نیا کھیل ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی چلے. تو چھایا کے ساتھ لگے وہ چھایا جہاں جہاں پیر رکھے, اس پرکار پیر رکھتے ہوئے
अब वो पक्षी जो उड़े वो छाया जा बड़ी जोर से उड़ते हुए पक्षी की, अब ये भागे छाया के साथ साथ बच्चे से भागने लगे। दोनों में सामने तालाब आ जाती है, अरे क्या करोगे डूब जाओगे। तब उड़ते हुए नहीं तो छाया के साथ जवान कितनी दूर भाग जाते। तो ये अब जब सरोवर इनको मिल गया तो नई सामग्री मिल, उसमें देखा कि हंस तैर रहे हैं, सब सुंदर सुंदर हंस जो हैं, तो उनको देख करके अरे बोले कन्हैया पी लिया जाए जल्दी यहाँ देख देख इसमें क्या है, ये देख तालाब में क्या क्या है। तो कन्हैया भी आ गए, कृष्ण जी के पास आ गए तो हंसों की नजर चली गई। अब हंसों की जो विचित्र गति हो गई, जब श्याम सुंदर की देखा विचित्र गति हो गई, तो उन लोगों ने अपना गर्दन उठा उठा करके और मंद गति से निकले बाहर और श्री कृष्ण चंद्र की ओर चल पड़े। अब ये नया तमाशा आ गया, बोलिए देखो ना सफेद सफेद ये नए 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 पक्षी जो हैं ये कन्हैया की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चे सब देख करके बोले काम करो अपने दिन की नकल करो। बच्चे ये सब पलके बंद हो बंद हो करके और हंसों के साथ साथ चलने लगे, हंसों के चार से चलने लगे इसी तरह से। अब श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है उस पर मधुर हंसी छा गई। मैं कितनी देर तक लीला चली कृपा है हंसों को इन्होंने सुख लिया। आज तो काल वाल लोगों को देखने में तो काल था वहां पर लीला क्षेत्र में कोई काल वाल की बाधा नहीं थी। यहाँ तो जितनी लीला चलती उतने ही सूरज देवता उनके लिए वहीं पर रह जाते। इतने में देखा बच्चों ने कि उधर बगुले बहुत से हैं, सफेद सफेद बगुले और ध्यान लगाए बैठे हैं। तो उनके पास जाके वो अपना मूड करके और बच्चे ध्यान लगा के बैठने लगे। बोलिए ध्यान लगाए बैठे हैं तो अपने भी ध्यान लगाए, शांत होकर के चुपचाप बगुले बड़े ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। तो बच्चा एक गया दो गया पांच गए दस गए और बच्चे भी वहां कतार लगा करके खाख मूंगा, किसी ने अपना पैर ऊंचा गया तो लोड़ी पड़ा एक पैर से बजा गया नहीं। तो बोले दूसरे का काम नहीं कि देखो भैया सब तरह से अपनी नहीं उनकी नहीं नकल कर सकते तो अपने दोनों पैर से बह जाओ पर यूं बह जाओ चुपचाप। तो सब के सब छोटे छोटे बच्चे तो सब जा करके उन बगलों की चेष्टा का अनुकरण करने लगे। दानस्थ होकर बढ़े इतने में देखा तो मोरों के जल के दर आ रहे हैं। अब श्री श्याम सुंदर के जो श्रीअंग की जो मधुर गंध रही ना स्वाभाविक, ये गंध तो वहां तमाम वन में फैल गई थी। तो दिव्य सौरभ मयूरों की ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, सूंघने की शक्ति, तो मयूरों को दूर दूर से ये सुगंधी मिली तो उनका चित्त आकर्षित हो गया। और वो बस जहां श्री कृष्णचंद्र विराजित थे जिस सघन वन में सरोवर के तीर पर वहीं पर ये सारे के सारे मयूर आने लगे, दल के दल ये सब आए थे श्री कृष्ण का अभिनंदन करने। ये सब के सब भक्त लोग थे, प्रेमी लोग थे, मयूर के रूप में सब प्रकट हुए और सब लोगों ने अपनी अपनी पूंछ फैला के नाचना शुरू कर दिया, मयूर नृत्य करने लगे। इनको जब नाचते देखा तो श्याम सुंदर के मन में आएगा हम भी नाचे हैं। तो मन में आते नाच उठा, मन मन के साथ शरीर नाच उठा। श्याम सुंदर वो बस वो नाचने में लगे हुए नृत्य कराए जो मयूर रहे उन मयूरों के बस पदविन्यास पर वैसे ही पैर रखते हुए और उसी ताल पर और उसी प्रकार की शरीर की भाव भंगिमा करते हुए ये नाचने लगे। मयूरों के साथ श्याम सुंदर नाच रहे हैं, जरा झांकी करिए। सरोवर का तीर है और वहां पर गोप बालक तमाम कुछ तो बगलों के पास बैठे हैं, कुछ हंसों को देख रहे हैं और बहुत से मयूरों को देखने लगे
और मयूरों के पास श्याम सुंदर नाच रहे थी उन्हीं की ताल पर श्याम सुंदर और मयूर दोनों ही नृत्य मत हो गए। तो बंदर लोग थे कि दूर दूर पर थे तक, तो बंदरों ने देखा ये नाच, बंदरों ने देखा नाच दूर से, तो बंदरों ने देखा कि बड़ा तमाशा हो रहा, बड़ा सुंदर। बंदर मुग्ध हो गए, ये सारे शिशु तो मुग्ध हो ही रहे थे, बंदर भी मुग्ध हो गए सब के सब। तो बंदर सब डालियों पर आके बैठ गए, देखने लगे नाच। मोरों के साथ मोर मुकुटधारी का नाच देखने लगे सब। अब शाखाओं पर बंदर, चंचल बंदर जो थे ना, वो बिल्कुल अचंचल हो गए। नाच देखने में इतना उनका चित्त लग गया कि वो मन की भाव समाधि हो गई है बंदरों के समूह की। पर ठहरे तो आखिर बंदर ही ना, तो एक बंदर था उससे उसने देखा जाए नजदीक से देखे, ऊपर के डाल से कूद के और नीचे के डाल पर वहां बैठा, वह एक उतरा वहां और, तो देखते ही देखते सैकड़ों सैकड़ों बंदर जो थे और नीचे के डाल पर आने के बाद किसी डांटा वाटा नहीं। तो बंदर जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई डांटे नहीं तो घर में आ जाते, पास आ जाते, बैठ जाते, तो नीचे चल जाए, एकदम नीचे उतर जाए। और नीचे आकर के और वो देखने लगे चारों तरफ से, बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं, आसपास मयूर हैं, मयूर नाच रहे हैं, और ये गोप सखा सब के सब देख रहे हैं, और उधर बंदरों के दल ने चारों से घेर लिया। और वो खड़े होकर बंदरों देखने लगे, खड़े खड़े होकर के जब बंदरों को खड़े देखा, किसी मयूर का ध्यान गया तो मयूर डर गया, बोलिए देखो ना कैसे खड़ा है बंदर। तो मयूरों को डर हुआ, एक को डर हुआ, तो एक ने अपनी पूंछ को सिकोड़ा, नाच बंद हो गया, जाके डाली पर बैठ गया, एक डाली पर दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, सारे मोर नाच छोड़ छोड़ करके डालियों पर अपनी जा बैठे। तो बच्चों ने देखा नाच बंद हो गया, कैसे बंद हो गया, तक तो तलमे रहे ना, देखा बंदरों को, अरे बोले ये बंदरों ने नाच बंद किया, ये सब तो बोरे बंदरों के पीछे। अब बंदर जा करके डाली पर बैठ गए, इनका तो बारिश तो पूछ नीचे लेते गए ना, तो पकड़ पकड़ पूछ नीचे खींचने लगे। शिशु जो है वो खींचने लगे, विकर्षण तकी से बाल आनारो हूं पशु के गुणमान, खींचने लगे उनकी पूछों को, तब ये बेचारे भागे इस डाल से उस डाल पर। तो बच्चे चल गए पेड़ों पर, बड़ा उनको उस डाल गया उसको चढ़ गए। अब बंदर ने देखा ये तो तुम्बा बंदर ऊंचे चढ़े, अब वहां तक एक पहुंच नहीं सके, पर ये बंदर कर बंदर इनके तरफ, बंदर धमकाया करते हैं, बंदर घुड़की दिया, बंदर तो बंदर घुड़की दें, ये बच्चे भी घुड़की दें। अब बंदरों के साथ ये खेल चला, जैसा बंदर अपना मुंह बनाए स्वभाव का सुधिक्र उसी प्रकार का ठीक मुंह ये बना लें, वैसे दांत निकाल लें, वैसे डरे डराने। तो बंदरों ने देखा कि अब तो भाई ठीक नहीं, तो बंदर बेचारे भागे दूर चले गए। तो बच्चों ने देखा कि बंदर तो भाग गए, और कुछ नीचे बेचारे बैठे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, ऊपर गाछों पर तोड़ नहीं सके, पर खेल में रहा के नहीं जाए। तो कुछ मेंढक थे वहां पर, मेंढक सरोवर के किनारे मेंढक उछल रहे, तो मेंढकियों वो मेंढकों को देखी गई उनकी, ये भी जब पृथ्वी पर हाथ रख करके तो मेंढकों की भांति फुदकने लगी बच्चे। और ठीक अब छोटी छोटी जो बाहर जल जा रहा बैल, तो ये उसको जैसे मेंढक पार कर उछल करके, इसी प्रकार ये भी उछल करके उसको पार करने लगे। उनकी चेष्टा देख रही शाम सुंदर हंस पड़े, बगैर हमारे सखा कैसा खेल खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे।
अब सारे गोप बालक हैं, सब हंसने लगे, सब हंसी का वहां पर हंसी की ध्वनि हो गई, सब लोटपोट हो गए। अब वो कुछ बालकों ने ये देखा कि वहां सूर्य आ गया था, पीछे से छाया आई, तो बच्चे जहां थे उसके साथ साथ छाया जाए, बच्चों की छाया तो अब खेल गई वहां भी था, तो छाया बजा भी गया। तो अब वो छाया के साथ खेल कर कभी यूं हाथ करें, खेल कर कभी नाचे तो छाया भी नाचे, कभी उछले छाया भी उछले। इस प्रकार से वो अंगों को अपने अपने अंगों को भांत भांत से नचाने लगे, छाया नाचने लगी, तो बड़ा इनको आनंद, वो देख भैया ये तो नया खेल मिल गया आज हम लोगों को, जैसे हम नाच रहे देखो कौन नाच रहा है यहाँ पर हम लोगों के साथ ही। तो छाया को देख देख के आनंद ध्वनि करने लगे। अब साहब एक बात और हुई, वो हुई कि ये संयुक्त प्रतिच्छाया स्वतंत्र प्रतिस्वना, जब जो जोर से बोले ना हाथ उठे, इतने भी पहले भी होते रहा था ध्यान रह गया, तो वो नीरव जंगल था, तो ये जैसा बोले वैसे प्रतिध्वनि हो। तो देखा ये तो कोई बोल रहा है, और ये कन्हैया भी बोल रहा है, तो मालूम होता है कि दूर पर दूसरे लोग हमारे जैसे हैं, और ये कन्हैया भी दूसरा है, पता है हम कौन है। तो दोस्त बोले तुम कौन हो, तो बदले में आवाज ये तुम कौन हो, बोले देखो तो लड़ने को तैयार है। हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, तो बोले हम श्याम सुंदर के सखा हैं, महाराज हम शाम सुंदर के सखा हैं। बोले ये तो पूरा दल है, आज पूरा दल है। तो बोले क्या तुम सोचा कि दल तो है पर कन्हैया शायद ना हो उनके साथ। तो पूछा कि क्या कन्हैया तुम्हारे साथ है, तो बनिया कन्हैया तुम्हारे साथ है। बोले तो सब नकल करती है हमारी, लुप्त हो गए, तो नहीं तुम्हारे साथ, तो आवाज है नहीं तुम्हारे साथ। तो गुस्सा अगर झूठे कहीं गए, अगर झूठे कहीं गए। अब तो उन्होंने देखा कि ये तो अब गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर के साथ देने लगे, बोले बड़े बदमाश हो गए, बड़े बदमाश हो गए। बोले बदले में गाड़ी देते हैं, वो तो नहीं मानते, नहीं मानते, तो देखो अगर नहीं मानोगे तो जैसे बस की दशा हुई थी वही तुम्हारी हुई, चीन जाने कन्हैया, तो वही वहां से आवाज है चीन जाने कन्हैया, उधर से साफ उधर से साफ। अब कन्हैया ने कहा भैया ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई हमने तुम्हारा ख्याल है, तुम अपना खेलो। बोले खेलो कैसे कन्हैया, ये देखो ना ऐसा बोलता है। तो कन्हैया ने फिर दूसरा खेल शुरू कर दिया, उसमें चली गई जमीन तक सबई ने किए घट, उनकी अनंदित किए लेकर जे बचन चरावत मिल सब गावत, कुसुम अनेकन माल धरें, एक छींके छोरत एक एक चोरत, संक्षेप वर्णन कर दिया, एक छींके छोरत एक एक चोरत, पाक विविध विध खात यहाँ, एक मोरन बोलन हंस कलोलन बोलत बोलन बोलत, हाँ एक कोकिल कोकन नरकट हुकन हुकत जह तह हास करे, एक भवरन गुंजन पहरत गुंजन बहिर्त कुंजन स्वांग धरे, एक प्रभु रिझावत प्रभु सुख पावत, अति प्रभीय गति नृत्य सच है लक्ष्य सुर सब तरसत, सो सुख बरसत शिशु आनंद खिल बचते, देवता उत्तर सब देख रहे। देवताओं ने देखा कि आहा इन गोपों के भाग्य का क्या ठिकाना है, ये सुखदेव जी कहते हैं कि उत्थम सतान ब्रह्म सुखानुभूतिया दास्यं गतानां परदैवतेनां
मायाश्रतानां नरदारकेनु साकं विजरूकृतपुण्यपुञ्जः युक्तागतां सर्वबहुजन्मकृच्छ्रतो गतात्मभिर्योगिभिरङ्गिभिरङ्गिभिरप्यलभ्यः सवेयद्वेगविषयस्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दुष्टमकौवर्योकथाम्। ये भगवान जो हैं ये एक रूप में सबको नहीं मिलते। वो जो लोग ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान के द्वारा अद्वैत तत्व का परिशीलन करते हैं, उन लोगों को ब्रह्मानुभूति के रूप में ये प्राप्त होते हैं। और जो हो कुछ और निकट आते हैं वे पूर्ण माधुर्य का तो आस्वादन नहीं कर पाते, पर वो ज्ञानियों का जो तत्व ज्ञान गण्य निर्विशेष ब्रह्मानुभव है, उसके साथ साथ वे अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्यमय चिदानंद लीला विग्रह के रूप में भगवान को देखते हैं। और वे शरण कीर्तन आदि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। ये ईश्वर बुद्धि रखने से भगवान को अपने से बड़ा मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं, और बड़े संभ्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी आदर बुद्धि के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये भगवान की उपासना करते हैं। भक्तगण ये भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं, पर उनमें संकोच संभ्रम रहता है, इसलिए माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य उन भक्तों के सामने होता है। ये भक्त हैं और ये भगवान को हृदय से चाहते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं। और ये श्रद्धा जो है ये शुद्धानुराग में बाधक है। श्रद्धा सम्मान बड़ी अच्छी चीज, तो प्रत्येक जीव में भगवान को देखने की श्रद्धा होनी चाहिए और सारे जीवों की सेवा होनी चाहिए भगवत भाव से। श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज, सम्मान सबका करना चाहिए, सब में भगवान है ये समझकर सबके आगे हाथ जोड़ना चाहिए, सबका प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना चाहिए। परंतु ये जहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है और जहाँ माधुर्य का पूर्ण प्राकट्य है, वहाँ श्रद्धा सत्कार सम्मान ये बीच में बाधक हो जाता है। इसीलिए ये जो पांच रस हैं, इनमें विशेष विकास आरंभ होता है सख्य से। शांत भक्त जो हैं, वे तो हमेशा ही डरते रहते हैं, उनका बड़ा ऊंचा भाव है, उनके अंदर भोग कामना नहीं, उनके अंदर विषय कामना नहीं, उनका मन उनके वश में, उनकी इंद्रियां उनके वश में, ये सब प्रकार से भगवान का सेवन करते हैं। परंतु सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सर्वप्रत्यक्षु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वनियंता भगवान का वे स्मरण करते हैं। वो स्वयं उनकी श्री विग्रह की अपने हाथों से सेवा नहीं करवाते। इसके बाद जब थोड़ा विकास होता है तब दास्य भाव की प्राप्ति होती है। हम लोगों में तो दास्य भाव तो क्या शांत भाव भी नहीं है। शांत भाव में भी मन इंद्रियों का सर्वथा नियंत्रण हो जाता है। दास्य भाव में तो सर्वथा समर्पण है अपना केवल सेवकत्व में। सेव्य की सेवा ही दास का स्वरूप है। उसका अपना कुछ भी स्वार्थ कुछ भी परमार्थ, उसकी अपनी कोई भी अलग चीज नहीं रह जाती,
वो सेवामय बन जाता है, वो कभी ये सोचता ही नहीं कि सेवा के बदले में मुझको क्या मिलेगा। तो सेवा के अतिरिक्त मैंने भी इतनी देर सेवा के कुछ घर का काम भी करें, उसके घर का काम नहीं मत करने का, घर का काम उसके रहता ही नहीं, वो तो दिन रात सेवा को ही अपना स्वभाव बना लेता है। कभी उसकी उसके मन में और भगवान अपने सेवक के मन में परस्पर विरोधी भाव आता ही नहीं, क्योंकि उसका अपना भाव ही नहीं कोई। कहीं कोई सेवा के लिए कहे और हमारे मन में ये आ जाए कि भाई इसमें तो अपनी जरा दिक्कत होगी, अपनी अलग रहेगा ना, अपना सुख अलग है, अपना स्वार्थ अलग है, तो वहां सेवा बनती नहीं। तो सेवा में तो केवल वो सेव्य की रुचि उसका स्वभाव बन जाता है, आज्ञा नहीं, संकेत नहीं, अपने आप स्फुरण होता है उसके मन में। तो दास भाव में ये कुछ संभ्रम सम्मान कम होता है शांत की अपेक्षा, और वो नजदीक आकर के भगवान के श्याम सुंदर के अपने उनको स्वामी मानकर मालिक मानकर निरंतर उनकी सेवा में अपने को कृतार्थ मानता है। तो वो सेवा उसका धर्म होता है, इसी हनुमान जी का इसी में बड़ा ऊंचा पद माना है हनुमान जी महाराज सेवक शिरोमणि। अपने लिए कुछ चाह नहीं, अपना पुरुषार्थ माना, सेवक कभी ये नहीं मानता कि मैंने सेवा की है, वो सेवा करता है अनंत, परंतु उसका भाव यही है कि मैं कुछ करता ही नहीं, ये तो सब वो चाहे से करवा लेते हैं। हनुमान जी से जब कहा है तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, बंदर इस जाल से उस जाल पर कूद जाए, शाखा से शाखा पर जाए, और बंदर का इसमें कौन सा पुरुषार्थ है। पर वो समीप रह करके सेवा करता है, उनके मन की बात को समझता है, उनके मन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। इससे आगे जब सख्य आता है तब कुछ बराबरी की बात होती है। तो जब तक भगवान को वो ऐश्वर्य युक्त ज्ञान युक्त मानकर सेवा करते हैं तब तक उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त हो गई। वो केवल जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनसे तो कुछ उनका विलक्षण भाव हो गया, वो केवल ब्रह्मानुभूति नहीं है, ये निर्विशेष जो ब्रह्म सुखानुभूति है ये केवल अनुभूति ही नहीं है उनको, परंतु उनको वो स्थान भी प्राप्त नहीं है जहां पर मान संभ्रम रहित श्री कृष्ण के साथ भगवान के साथ मधुर भाव से लीला चलती हो। तो ये सब अलग अलग साधना है भगवान की को प्राप्त करने की और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने की। तो एक होते हैं जो ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, एक होते हैं जो ऐश्वर्य माधुर्य युक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें केवल ब्रह्म सुखानुभूति से काम नहीं चलता। अगर वही तत्व ज्ञान वहां पर हो तब तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता, और वो तो फिर वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई जल बिंदु गिर जाए और गिर करके वो समुद्र के अंदर जाके समुद्रवत हो जाए तो उसे समुद्र की तरंगों का और तरंगों के नृत्य का तरंगों की शोभा का कुछ पता नहीं लगता। जैसे जल बिंदु सिंधु में विलीन हो गया उसी प्रकार उसके गांधीर्य में वो विलीन हो जाता है सच्चिदानंद सिंधु में, वहां ऐश्वर्य माधुर्य की जो तरंगे हैं ये उसको नहीं दिखाई देती कि सुख से वो वंचित रहता है। पर जो भक्त साधक हैं उनको इसकी प्राप्ति होती है और वो श्रवण मननादि के द्वारा कीर्तनादि के द्वारा भगवान की सेवा करता है, वो भी अपने सांसारिक वासनाओं को छोड़ता है, ये घर मकान वैभव देह इत्यादि
इसमें उसका भी आत्मनियोग नहीं होता, वो निरंतर भगवान की स्वयं की पिनादी में लगा रहता है। ये भगवान के साथ इनका के संबंध जुड़ा रहता है, अपने अपने प्रेम के अनुरूप कोई सखा है, कोई पुत्र है, कोई इनको अपना पुत्र मानता है और कोई इनको अपना प्राण बंधन मानता है। इस प्रकार अपने अपने भाव के अनुसार लीला माधुर्य का रस आस्वादन करते हुए ये अपने आप को खो देते हैं और भगवान का स्वयं स्वरूप सर्वव्यापी और ये सारे विश्व में विस्तृत जो भगवान का ऐश्वर्य रूप, ये सब सामने आने पर भी उनका जो प्रेमानुरूप व्यवहार है वो उसमें बाधा नहीं आती। कितना को मारा यहोवा मिया ने देखा, भगवान ने अपने श्री मुख में तमाम अनंत विश्व ब्रह्मांडों को दिखा दिया, मैया ने देखा, सखाओं ने प्रत्यक्ष देखा, वत्सासुर बकासुर इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया, सखाओं ने देखा कि दोनों वृक्षों को उन्होंने उखाड़ दिया और उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष निकले, पर उनके मन में कभी कोई ऐश्वर्य की भावना जागृत नहीं हुई। तो वे निरंतर अपने उस माधुर्य में ही लगे रहे, सखा पुत्र प्राण बल्लभ के रूप में नई नई लीलाओं का रसा स्वादन में करते रहे और इसीलिए भगवान का प्रेमावतार होता है। ये जो प्रेममय द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर नूर मुकुटधारी भगवान जो हैं, ये जो वृंदावन का भगवान का मधुराज मधुर लीला संपन्न अवतार है, ये अवतरण केवल और केवल इन प्रेमियों के लिए होता है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन एक चौथे लोग भी हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्मुख और उनकी संख्या अधिक होती है। वो न तो ज्ञानी योगी होते हैं, न वो ऐश्वर्य युक्त भगवान को भजते हैं और प्रेम मधुर प्रेम की तो उसमें गंध भी नहीं होती, वे भोगों को भजते हैं। भोग भजन और भगवत भजन इसमें बड़ा भारी अंतर है और ये अंतर वहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता, विराग में समझ में आता है, पर मधुर संबंध युक्त रस में और भोग रस में बहुत दफे भूल हो जाती है पहचानने में। तो समझ लेता है कि मैं भगवान को पुत्र मानकर, मैं भगवान को अपना प्राण बल्लभ मानकर, मैं भगवान को अपना सखा मानकर, तमाम वस्तुओं के द्वारा, अपने द्वारा, अपने सुख के द्वारा उनका सेवन कर रहा हूं, परंतु हो जाता है भोगों का सेवन। तो यहीं पर ये देखना पड़ता है कि भोग सेवन है या भगवत सेवन है। भोग सेवन में भगवत सेवन में इतना ही अंतर है कि भोग सुखों की प्राप्ति न होने पर, विपरीत हो जाने पर भोग सेवनकारी को दुख होगा, विपरीतता प्रतीत होगी, और भगवत सेवनकारी को भगवत सेवा से कहीं विस्मृति हुई तो उसमें दुख होगा। वो भगवत सेवा से क्षण भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहता।